थैनोस रनर से कहता है, तुम एल्डर्स को लगता है कि तुम इमॉर्टल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास ज़्यादा उम्र है और तुम अब भी मॉर्टल ही हो, और तुम ऐसे ही रहोगे कुछ बिलियन ईयर्स तक। ये सबसे मुश्किल तरीका है ये जानने का कि तुम इमॉर्टल हो या नहीं। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं रखने वाला, क्योंकि तुम मुझे अपने यंगर फॉर्म में ज़्यादा यूज़फुल लग रहे हो। और वो उसे एक बच्चे में बदल देता है, जिसे लेकर थैनोस जाते हुए कहता है, घबराओ मत बच्चे, हम अब एक ट्रिप पर जा रहे हैं। हम विजिट करने जा रहे हैं अंकल कलेक्टर को। तब दूसरी तरफ अपने म्यूजियम में कलेक्टर सारे वेपन्स रेडी करके इंतज़ार कर रहा था थैनोस का, और थैनोस उसके पीछे टेलीपोर्ट होकर कहता है, तो ये बात है, कलेक्टर ने सारे अपने वेपन्स रेडी कर लिए हैं टाइटन के चितड़े उड़ाने के लिए उसके ट्रेजरी हाउस के बाहर। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अंदर टेलीपोर्ट हो जाऊँ और अपने सारे डिफेंस स्क्रीन ऑफ कर दो कलेक्टर, ये बहुत ज़्यादा तादाद पर एनर्जी का वेस्टेज होगा। अगर मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें तबाह करूँगा तो ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। तब पीछे मुड़ते हुए कलेक्टर उससे पूछता है, तो बताओ ये कौन है? जिस पर थैनोस उससे कहता है, ये वही प्राइज है जिसके बदले में मैं तुमसे इन्फिनिटी जेम्स मांगने आया हूँ। ये एक रेयर बींग है, क्या तुम अपने साथी एल्डर रनर को नहीं पहचानते? तब थैनोस आगे कहता है, मुझ पर विश्वास करो, ये एक वल्नरेबल बीइंग है किसी भी कंडीशन में, और अगर ये किसी के रेयर बीइंग कलेक्शन में हो तो वो आदमी कुछ भी कर सकता है जो वो खुद नहीं कर सकता। तब थैनोस कलेक्टर के म्यूजियम की सैर करते हुए उससे कहता है, तुम अकेले ऐसे एल्डर हो जिसने ये खूबसूरत चीज़ें इकट्ठा कर रखी है, और ये क्राउनिंग टच जैसा है। तब वो आगे उससे पूछता है, तो कलेक्टर तुमने क्या डिसाइड किया, सौदा या लड़ाई? जिस पर कलेक्टर जवाब नहीं देता। तब थैनोस उससे पूछता है, एल्डर अभी मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिस पर कलेक्टर उससे कहता है, मैं ये डील एक ही शर्त पर एक्सेप्ट करूँगा कि तुम इस बच्चे के एग्जिस्टेंस के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करोगे। जिस पर थैनोस उसको विश्वास दिलाता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, और तुम्हें पता है एक बार अगर मैंने जबान दे दी तो मैं उससे कभी पीछे नहीं हटता। जिस पर उस बच्चे को अपने पास लेते हुए कलेक्टर उसे कहता है, जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें योंडर के डिस्प्ले केस में मिल जाएगा। तब रनर को अपने हाथ में लेकर कलेक्टर टाइटन से कहता है, तुमने आज कुछ अच्छा सौदा नहीं किया, क्योंकि जहाँ तक मैंने इसे स्टडी किया है ये एक पॉलिश्ड ग्लास के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। तब थैनोस रियलिटी जेम को अपने हाथ में लेकर कहता है, मैं तुम्हारी बातें सुन के हैरान नहीं हूँ ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि इस ज्वेल के हिडन सीक्रेट्स ओपन करने के लिए ग्रेट इमेजिनेशन लगती है, और कलेक्टर का ट्रिविया कहीं ना कहीं कम पड़ गया इसके लिए। इसका मैग्नीट्यूड और पावर्स ओपन करने के लिए कोई भी चमत्कार या फिर कोई भी इजी मेंटेलिटी काबिल नहीं है। मेरा मानना तो यह है कि इसके लिए एक से भी ज़्यादा माइंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी ताकत किसी के भी इंटेलेक्ट के परे है। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह जेम रियलिटी कंट्रोल कर सकता है। तब थैनोस रियलिटी जेम के साथ रियलिटी चेंज करने लगता है, और बाद में वो कहता है, क्या ये काफ़ी है? तब ग्रैंड मास्टर कहता है, ये पूरे समय मेरे पोजीशन में था और मुझे पता भी नहीं, लेकिन अब इसे दूर ले जाओ मुझसे। तब थैनोस कहता है खुशी से, और जाते वक्त वो कहता है, अब बारी है ग्रैंड मास्टर के इन्फिनिटी जेम की। तब कलेक्टर उसे समझाता है कि उसे मेरी तरह ठगना आसान नहीं होगा। तब थैनोस उससे कहता है, मैं उसके लिए तैयार हूँ, और वो मेरा सबसे डिफ़िकल्ट दुश्मन है, इसलिए मैंने उसे लास्ट में रखा है। लेकिन जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जो स्पेल मैंने रनर पर कास्ट किया है वो टेम्पररी इफेक्ट का है। और तभी रनर बड़ा होकर कलेक्टर को पीटने लगता है। तब रनर कलेक्टर को सुपर स्पीड में पीटते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने कलेक्शन में ऐड करने के बारे में सोचने की, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। और वो पीटने लगता है कलेक्टर को। तब थैनोस वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है, और दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर ये सब देखकर अपना इन्फिनिटी जेम सिक्योर करने के बारे में सोचने लगता है। तब थैनोस कहता है, ग्रैंड मास्टर एक स्ट्रेटेजिस्ट सुप्रीम, वो मेरी सारी हरकतें मॉनिटर कर रहा है, उसे पता है कि मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, और वो मेरे लिए तैयार होगा मुझसे भी ज़्यादा। और थैनोस आगे कहता है, वो एक चैम्पियन गेम्समैन है, उसने अपने लाखों करोड़ों साल सिर्फ कॉन्टेस्ट खेलने में बिता दिया है, और इसी के ज़रिए उसे टैलेंट मिला है हर गेम खेलने का।
उसके पास स्किल है, उसका माइंड किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी प्लान करने में एक्सपर्ट है, उसके पास ग्रेट पावर है और मुझे पता है उसने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ अरेंज कर रखा होगा और मुझे उसी की शर्तों पर खेलना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है ग्रैंड मास्टर। तब ग्रैंड मास्टर के पास जाकर थैनोस कहता है, तो बताओ क्या खेल खेलना है। तब ग्रैंड मास्टर कहता है, मुझे पता है कि तुम्हें यह नहीं करना, लेकिन तुम्हें जो स्टोन चाहिए उसके लिए तुम्हें यह करना होगा। और वो दिखाता है वो इन्फिनिटी स्टोन और कहता है, तुम्हें जिस प्राइस की ज़रूरत है वो ये है, और यह अभी जिस पर फ्लोट कर रहा है वो है पैन डायमेंशनल ट्रांसपोर्टर, और इसके आसपास है सेवरल लेयर्स फोर्स फील्ड की जो किसी को भी इसे चुराने से बचाए रखेगी। तब थेनोस कहता है, ये तो अच्छी बात है। तब ग्रैंड मास्टर उससे कहता है, इससे अच्छा भी कुछ है, और वो ये है कि अगर इसमें से कोई भी शील्ड ब्रिच हो गई तो ट्रांसपोर्टर प्रोग्राम है इमीडिएट ऑपरेशन के लिए, और वो कंटिन्यूस रैंडम डेस्टिनेशन पर सिलेक्ट है जहाँ पर ये जेम टेलीपोर्ट होता रहेगा, और वो टेलीपोर्ट होगा अननोन लोकेशंस पर। तब थेनोस कहता है, और मैं वो लोकेशंस ढूंढ क्यों नहीं पाऊंगा। ग्रैंड मास्टर उस पर जवाब देता है, क्योंकि ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट पर सेट है, और जैसे ही ये फंक्शन कंप्लीट होगा तो ये फट जाएगा, तो तुम्हें इसके लिए जल्दी करना होगा टाइटन। तब कलेक्टर थेनोस से कहता है, और अगर मेरे ऑर्गेनिक वाइटल साइन में कोई इंटरप्ट आया तो भी ये एक्टिवेट होकर ट्रांसमिट कर देगा इस जेम को। तब थेनोस कहता है, तो अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो मुझे ये सिली गेम खेलना पड़ेगा या फिर सिक्स जेम से हाथ धोना पड़ेगा। तब कलेक्टर उससे कहता है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा कि ये गेम कितना सिली है, और ट्रांसपोर्टर प्रोग्राम्ड है शटडाउन होने के लिए अगर मैं इसमें हार गया तो। तब थेनोस कहता है, और ये खेल क्या है। तब ग्रैंड मास्टर उसे समझाता है, ये एक क्वासी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि एक मेंटल प्लेन पर प्लेस्ड है। इसमें हम दोनों को ही एक आइडेंटिकल बैटल आर्मर मिलेगा जिसका किल शॉट हमें इमोबिलाइज कर देगा और टर्मिनेट कर देगा इस गेम प्रोग्राम को अगर हम में से कोई भी एक हार गया तो। तब ग्रैंड मास्टर उससे कहता है, मुझे दाव के तौर पर तुम्हारे वो 5 सोल जेम्स चाहिए। तब थेनोस कहता है, क्यों नहीं, मेरा आज हारने का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन वो कहता है, मैं इन्हें चैटिस फील्ड पर रखूंगा, ये तभी डीएक्टिवेट होगा अगर मैं मर गया। तब थेनोस और ग्रैंड मास्टर एक दूसरे के सामने वो खेल खेलने के लिए बैठते हैं जहाँ पर दोनों के माइंड चले जाते हैं उस मेंटल प्लेन में, और वहाँ पर वो दोनों एक बैटल आर्मर में थे जहाँ पर थेनोस उस जगह को हैरानी से देख रहा था और कह रहा था, ये उतनी ही हैरान करने वाली है जैसे कि ग्रैंड मास्टर की स्ट्रेटजीज। तभी ग्रैंड मास्टर उस पर हमला कर देता है और थेनोस उसके जवाब में वार तो करता है लेकिन स्ट्रेटजीज में मास्टर होने की वजह से वो ग्रैंड मास्टर को हरा नहीं पाता। तब थेनोस कहता है, ये ग्रैंड मास्टर है, ये इस तरह के खेलों में उस्ताद है, उसके पास स्किल स्ट्रेटजीज और सबसे ज़्यादा उसके पास तजुर्बा है इन खेलों का। तब वो एक चाल सोचता है और एक ब्लॉक में अपने बैटल आर्मर के साइज का एक गड्ढा बनाकर वहाँ पर छुप जाता है, और जब ग्रैंड मास्टर उसे ढूंढने आता है तो पीछे से वो उस पर अपना आर्मर रेडी कर कर कहता है, चेकमेट। लेकिन तभी थेनोस अपने आर्मर में ही एक सिलिकॉन बेस्ड फंगस में कैद हो जाता है, जिस पर ग्रैंड मास्टर कहता है, मैं कभी चीटिंग तो नहीं करता लेकिन बात जब तुम्हारे जैसे किसी बड़े विलन की हो जो कि डिफ़िकल्ट हो हराने के लिए, और जब इन्फिनिटी जेम्स दाव पर लगे हो, तो ऐसा करना बनता है। ये सिलिकॉन बेस्ड फंगस है जो तुम्हें तबाह कर देगा, और वो सिलिकॉन बेस्ड फंगस में कैद हुए थेनोस को वार करके उसे टुकड़े में बांट देता है। तब उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट था। तब थेनोस वो गेम बोर्ड तोड़ देता है जिससे ग्रैंड मास्टर का दिमाग उसी में तबाह हो जाता है, और वो छठा इन्फिनिटी स्टोन आज़ाद हो जाता है उस पैन डायमेंशनल ट्रांसपोर्टर से। उसे हाथ में लेकर थेनोस कहता है, 5 इन्फिनिटी जेम्स के साथ मेरे पास हज़ारों तरीके थे इस छठे इन्फिनिटी स्टोन को हासिल करने के, लेकिन ये बहुत मज़ेदार तरीका था। ग्रैंड मास्टर को पता था कि इस जेम की खासियत क्या है, और इस जेम ने उसे बताया भी होता कि वो एक रोबोट के साथ लड़ रहा है, क्योंकि ये इन्फिनिटी जेम डोरवे है माइंड का। लेकिन ग्रैंड मास्टर ने अपने ईगो के चलते अपने गैम्बलिंग टैलेंट पर भरोसा किया, ना कि इस जेम पर, और वो आखिर अपने गैम्बलिंग टैलेंट के साथ ही मर गया। तब
थानोस वो 6 इन्फिनिटी जेम अपने हाथ में लेकर कहता है, लेकिन इसका एक ग्लोरियस एंड ये भी है कि मेरे पास अब 6 इन्फिनिटी स्टोन्स है। ये उससे ज़्यादा है जो कॉस्मिक क्यूब ने मुझे दिया था। अब सब मेरा है, मैं सबको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पूरा यूनिवर्स अब मेरा है। मेरे पास अब टाइम जेम, स्पेस जेम, माइंड जेम, जेम ऑफ पावर, सोल जेम और रियलिटी जेम है, जिसके साथ मैं अब किसी को भी हरा सकता हूँ। तब थैनोस ये खुशखबरी डेथ को सुनाने जाता है और वो कहता है, मेरे पास अब इतनी पावर है कि मैं पूरे ब्रह्मांड को तबाह कर सकता हूँ। तुम्हें ये पावर महसूस नहीं हो रही? तब मिस्टर्स डेथ कहती है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम अब मेरे इक्वल नहीं रहे, बल्कि तुम मुझसे सुपीरियर हो चुके हो। तब थैनोस उससे कहता है, मैंने ये सब मिस्टर्स डेथ के प्यार के लिए किया, ना कि उन्हें अपनी दासी बनाने के लिए। मैं उनसे प्यार करता हूँ और उनके इक्वल बैठना चाहता हूँ। तब मिस्टर्स डेथ एक थ्रोन उसके लिए बना देती है और कहती है, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। लेकिन वो ये सब अपने सेवकों के कहती है। इस वजह से थैनोस गुस्सा होकर कहता है कि तुम अब मुझसे डायरेक्ट बात कर सकती हो, लेकिन फिर भी मिस्टर्स डेथ नहीं मानती। तब थैनोस उसके सेवकों को मारकर कहता है, अब तुम्हें मुझसे डायरेक्ट बात करनी ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तब थैनोस वहां से जाते हुए कहता है, मेरे पास अब इतनी पावर है कि मैं उसे मजबूर कर सकता था मुझसे डायरेक्ट बात करने के लिए, लेकिन क्या फायदा? मैं उसका प्यार चाहता था, ना कि उसे अपनी दासी बनाना। मैंने वो किया जो कोई सेंटियंट करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसे बीइंग से लड़ाई की जो कभी मुमकिन नहीं थी। मैंने ये सब उसके लिए किया और आखिर में मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। और तब हम देखते हैं थैनोस को इन्फिनिटी वेल के सामने, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था, वही ये सब खत्म हुआ, बस थैनोस के आंखों में आंसू के साथ।